वैसे तो मैंने टॉप 5 सीरीज पे काफी सारी वीडियो बना दी, पर यार इस टॉपिक को तो मैंने कवर ही नहीं किया इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही टॉपिक को भी क्लियर कर देता हूँ, टॉप 5 पावरफुल एलियन ऑफ बेन टेनिसन के बारे में। और हाँ, जो लोग एटॉमिक्स को नंबर 2 पे समझते थे यार, वो लोग गलत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा एटॉमिक्स नंबर 2 पे नहीं है, ना ही वो 3 पे है, ना ही वो 4 पे है। मैं कुछ एलियन बताऊंगा जो कि एटॉमिक्स से भी ज्यादा पावरफुल है और वो डिजर्व करते हैं इन प्लेस को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बोल दूं कि प्लीज इस वीडियो जाके एक लाइक कर देना यार। मैं लाइक करने को आपको बोल नहीं रहा तो यार आप लाइक ही नहीं कर रहे हो यार। प्लीज इस वीडियो जल्दी जाके एक लाइक कर देना, क्योंकि यार डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यार उसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें, तो प्लीज इस वीडियो को जाके एक लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे जो एलियन है वो है एटॉमिक्स। एटॉमिक्स जो कि अपने न्यूक्लियर अटैक से सभी विलन को डिफीट कर देता है, और जो एटॉमिक्स के अटैक रहते हैं वो काफी ज्यादा ओवर पावरफुल अटैक होते हैं। और ये एक रोबोटिक टाइप एलियन है, और एटॉमिक जैसे कि अटैक करता है वो अटैक है हाँ में ना न्यूक्लियर विनर इस टाइप के। वो कुछ बोलता है फिर वो कुछ भी अटैक करता है, और वो अपने एक सेपरेट अटैक को सेपरेट नेम देता है। और ये एलियन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, और जो ये एलियन के जो हैंड में ट्यूब जैसे होते हैं उससे ये हीट भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि हमने एक बार देखा था इसने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के वेब भी पिघला दिए थे। तो चलो बात करते हैं नंबर 4 के एलियन की तरफ। तो नंबर 4 पे जो एलियन है वो है एनआरजी, जिसे हमें सबसे पहले बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था। और ये उन 5 एलियन में से ही एक एलियन था जिसे एग्रेगोर ने पकड़ा था। और सही में ये एलियन बहुत ज्यादा पावरफुल एलियन है, और एनर्जी को जब भी हमें दिखाया गया है उसके सूट के साथ ही दिखाया गया है, और सूट में इसकी पावर इतनी नहीं दिखाई गई है। हाँ, पर इतना है कि इसके सूट इतना पावरफुल है कि इसे कोई भी टाइप के मेटल से तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, खाली टेडेनाइट के टुकड़े के अलावा। और अगर एनर्जी अगर अपने सूट के बाहर आ जाए तो किसी को भी बहुत ही आसानी से डिफेक्ट कर सकता है, और एनर्जी किसी भी टाइप के अटैक को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर ही फेंक सकता है। और ये जितनी भी अटैक को एब्जॉर्ब करता है ये और ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इसको नंबर 4 पे रखा, क्योंकि यार ये एटॉमिक्स को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। अब चलिए बात करते हैं अपने 3rd नंबर के एलियन की तरफ। तो 3rd नंबर पे जो एलियन है वो है ग्रेविटैक, जिसे हमें बेंटन ओमनीवर्स में दिखाया गया था। अब बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि मैं ग्रेविटैक को नंबर 3rd पे क्यों रखा, क्योंकि यार वो डिजर्व करता है नंबर 3rd की पोजिशन, बिकॉज उसके पास ग्रेविटी की पावर है। मतलब वो किसी भी टाइप के अटैक को या किसी भी चीज को ग्रेविटी में कंट्रोल कर सकता है, और अपने इशारे के अनुसार नचा सकता है। और वो एटॉमिक्स और एनर्जी दोनों को ही अपने इशारे में नचा सकता है ग्रेविटी में कंट्रोल करके, और उन दोनों के अटैक को एक ग्रेविटी में रोक सकता है वो। इसीलिए मैंने ग्रेविटैक को नंबर 3rd पे रखा। और ओमनीवर्स में तो आपने देखा ही था कि ये कितने सारे चीज को अपने ग्रेविटी में कंट्रोल कर लेता था, और किसी भी टाइप के अटैक को, चाहे किसी भी टाइप का मिसाइल हो, ये बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लेता था। इसीलिए मैंने ग्रेविटैक को नंबर 3rd पे रखा। और अगर ग्रेविटैक की अगर आपको और पावर के बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है, और ग्रेविटैक खुद में ही चलता फिरता एक लिविंग प्लैनेट है जो कि पूरी ग्रेविटी को अपने आप कंट्रोल करता है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि एटॉमिक ज़्यादा पावरफुल है ग्रेविटैक से, तो यार आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्रेविटैक ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर एटॉमिक्स। तो चलिए बढ़ते अपने 2nd नंबर के एलियन की तरफ। तो 2nd नंबर पर जो एलियन है वो है क्लॉकवर्क। अब क्लॉकवर्क को तो यार सभी को मालूम है कि वो 2nd पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि यार उसके टाइम की पावर है और टाइम से ही सब कुछ चलता है। इन सारे चीज़ को क्लॉकवर्क बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है, और वो टाइम से रिवर्स कुछ भी कर सकता है ये, क्योंकि एटॉमिक्स एनर्जी ग्रेविटैक ये कुछ भी अटैक करेंगे तो ये टाइम में पीछे कर देगा या उसको स्लो कर देगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है टाइम के साथ। और ये टाइम रेस से वापस से सब कुछ पहले जैसा कर सकता है, जैसे कि इसने एक बार ओमनीवर्स के एक एपिसोड में किया भी था। और क्लॉकवर्क कोई भी अटैक करता है तो वो अपने हेड से जो की रहता है उसको रोटेट करके अटैक करता है। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब टाइम रिलेटेड कुछ भी अटैक करता है उसके हेड में जो की रहता है वो रोटेट करती रहती है। चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 1 वाले एलियन की तरफ। तो नंबर 1 पे कौन सा एलियन हो सकता है, क्या आप गैस कर सकते हो नंबर 1 पे कौन सा एलियन हो सकता है? अगर आपने गैस कर लिया नंबर 1 पे कौन सा एलियन है, तो जाओ यार कमेंट में अपना दिल खोल के कमेंट करो कि कौन सा एलियन नंबर 1 पे है। हाँ, तो नंबर 1 पे जो एलियन है वो है डायमंड हेड। अबे साले तभी कहा, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, अब डायमंड हेड को कहा मैं नंबर 1 पे डालूंगा। तो नंबर 1 पे जो एलियन है वो है एलियन एक्स। अब इसके बारे में क्या ही कहना, जिसके पास सभी चीज की पावर है, चाहे टाइम कह लो चाहे स्पेस कह लो,
या किसी प्लेनेट को रिक्रिएट करना या किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ ये पलक झपकते ही कर सकता है। अब इसके बारे में क्या ही कहना, जो कि एक गॉड लेवल बीइंग है जो कि सारे अटैक कर सकता है, वो सभी कुछ कर सकता है और ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो यार एलियन एक्स के बारे में आपको जितना बताऊं यार उतना कम है, बस आप कुछ भी सोच लो एलियन एक्स वो कर सकता है। लगता है थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, हाँ पर एलियन एक्स कर लेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ अपने सुपर फिंगर का यूज़ करके इस वीडियो का एक लाइक कर देना यार, क्योंकि यार मैं अब डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो यार आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो जल्दी जाओ इस वीडियो का एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके कहाँ जा रहे हो, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लो। अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और हाँ एक और बार बता दूँ कि अगर आप मुझे बोलोगे कि किसी के साथ भी किसी का सेपरेट वीडियो बनाने को, तो मैं बना दूंगा। तो कमेंट करना किसके साथ मैं किसका सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। एटॉमिक्स का वर्सेस ग्रेविटेक के साथ करना है तो यार वो आप मुझे कमेंट में बता देना, या किसी के साथ भी किसी का वर्सेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।